हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ गेनिंग स्पेस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर नीट एमडीएस सो देखते हैं लेट्स स्टार्ट सबसे पहले व्हाई वी नीड अ स्पेस चैप्टर का नाम तो पढ़ लिया मेथड ऑफ स्पेस गेनिंग अब स्पेस गेनिंग क्यों चाहिए स्पेस बिकॉज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्शन ऑफ क्राउडिंग

डी रोटेशन ऑफ एंटीरियर टीथ है रोटेटेड टीथ है उसके लिए चाहिए एंड फॉर द करेक्शन ऑफ अनस्टेबल मोलर रिलेशन के लिए तो कुछ मेथड्स है तो सम ऑफ द मेथड्स ऑफ गेनिंग स्पेस इंक्लूड प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग हम स्पेस को लेने के लिए हम क्या करते हैं प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग करते हैं फिर एक्सपांशन करते हैं एक्सट्रैक्शन करते हैं डिस्टलाइजेशन करते हैं अपराइटिंग ऑफ मोलर्स करते हैं डी रोटेशन ऑफ पोस्टीरियर टीथ एंड प्रोक्लिनेशन ऑफ एंटीरियर टीथ तो ये सारे मेथड हम लोग करते हैं फॉर गेनिंग अ स्पेस तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे और सीखेंगे तो सबसे पहले प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग क्या है अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो स्ट्रिपिंग का मतलब घिसना ओके सो क्या है देखते हैं is a method by which the the proximal surface of the teeth are sliced in order to टीथ आर स्लाइज width of the teeth। तो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग proximal stripping कर रहे हैं स्लाइस कर रहे हैं ताकि मीजियोडिटल विर्थ हमें अप्रोप्रेट मिल सके सपोज करो ये टूथ है और ये टूथ है और ये क्राउडेड है, है तो अगर मैं इस को, अगर slice कर दू सपोज मैंने इतना स्लाइस कर दिया तो ये एक नॉर्मल अक्लूजन में आ जाएगा जो कि हमें चाहिए राइट right? इसी वजह से हम लोग यहाँ पे स्लाइस कर रहे हैं अब प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग का दूसरा नाम होता है रिप्रोक्सिमेशन भी बोलते हैं स्लेंडराइजेशन भी बोलते हैं और डिस्किंग भी बोलते हैं अब डिस्किंग क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जो स्लाइस करेंगे वो किससे करेंगे डिस्क से ऐसे राउंड टाइप का डिस्क होता है वी विल डिस्कस लेटर तो इसलिए इसका नाम डिस्किंग भी बोला जाता है तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं ये हैंड पीस से बर से ये स्लाइस कर रहा है ओके दूसरा भी स्ट्रिपिंग कर रहा है ओके सो वन बाय वन वी विल सी पहले इंडिकेशन पढ़ते हैं इंडिकेशन क्या है यूज वेन स्पेस रिक्वायर्ड इज मिनिमल जीरो टू टू पॉइंट फाइव एम तब हम करेंगे स्पेस ट्रिम uh, uh, Proximal stripping, जब space हमें requirement कितनी होगी 0 to 2. Mm, तब हम करेंगे. मटेरियल एक्सेस थोड़ा सा अगर दांत एक्सेस होगा तब हम लोग ट्रिम करेंगे इट कैन बी अंडरटेकन इन द लोअर एंटीरियर रीजन एज एट रिटेंशन के लिए भी हम लोग करते हैं

टीथ है तो उसको अगर पीछे लाना है तो उसके लिए स्पेस चाहिए तो दैट्स हम लोग दांत को अगर हम लोग स्लाइस करेंगे तो वो आसानी से पीछे आ जाएगा ऑर्थोडोंटिकली वायर से तो वो स्पेस को कर लेगा नाउ इंडिकेशन पढ़ते हैं इंडिकेशन नॉट कैरिड आउट इन यंग पेशेंट नहीं करेंगे यंग पेशेंट में एज दे पोसेज लार्ज पल्प जैपर विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ पल्प एक्सपोजर अब मान लो ये दांत है ओके okay. प्राइमरी टीथ है तो इसका जो पल्प होता है वो बड़ा होता है अगर मैं स्लाइस करूंगा स्लाइस करते जाऊंगा करते जाऊंगा तो ये पल्प एक्सपोज हो जाएगा इसी वजह से यंग पेशेंट में तो गलती से नहीं करना देन दूसरा हु ससेप्टेबल टू केरीज और दोज हु हैव हाई केरीज रिस्क अब जिसको केरीज रिस्क बहुत है पहले से ही सपोज करो ये डिस्ट्रक्शन है अब मैं इसमें कर दूं तो ये तो और कट जाएगा तो दिस इज नॉट बेनिफिशियल ओके

एनमल सर्फेस कैसा हो गया Rough हो रफ हो गया अब प्लाग ज्यादा होंगे में ज़्यादा होगा तो उन कंडीशन और जो पूरा पूरा होगा उनमें तो कर ही नहीं सकते तो इसी वजह से ये उनमें नहीं करना है Now, advantage क्या है मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस सो टू अवॉइड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन अब मिनिमल स्पेस चाहिए तो हम अननेसेली क्यों एक्सट्रैक्शन करेंगे तो प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग कर देंगे डिफिकल्टीज इन पैडलिंग द रूट नेक्स्ट टू एक्सट्रैक्शन साइट अब एक्स्ट्रैक्शन साइट अगर मान लो किसी अगर सपोज करो ये दांत है ये दांत है ये दांत है अगर ये दांत है यहां पर आ रहा है अगर मैं इसको निकालना है सपोज करो मेरे को इस, इस दांत को निकालना है और ये नहीं निकल रहा तो मैं थोड़ा सा प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग करूँगा तभी आसानी से निकल जाएगा तो उस कंडीशन में भी, भी करते हैं ओवर बाइट एंड ओवर जेट को ठीक करने के लिए तब करते हैं तो ये था एडवांटेज अब डिसएडवांटेज भी होगा क्या है देखते हैं प्रोसीजर क्रिएट रफ एंड प्रोक्सिमल सर्फेस दैट अट्रैक्ट प्लाग अफकोर्स जब हम लोग ने ट्रिमिंग किया लाइक like स्लाइसिंग किया तो वो रफ सर्फेस हो गया रफ सर्फेस हो गया तो प्लाग ज्यादाट होगा तो ये है देन केरी ससेप्टेबल इज इंक्रीज एज पार्ट ऑफ दिमूव्ड अफकोर्स अगर एनामल जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें बैक्टीरिया से बचाता है प्लाक से बचाता है अगर वो ही ट्रिम कर दिया तो केरीज ज़्यादा लगेगा तो बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमलेट होगा इसी वजह से ये डिसएडवांटेज हो गया सेंसिटिव ऑफ टीथ अब जब हम दांत को अगर ट्रिम करेंगे स्लाइस करेंगे तो वो डेंटीन कटेगा एनामल कटेगा तो जब डेंटीन कटेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी ओके okay? देन इन एक्सपीरियंस ऑपरेटर्स कैन रिजल्ट इन ऑल्टरेशन ऑफ मार्फोलॉजी बनता है अगर वो काटेगा तो टूथ की मॉर्फोलॉजी खराब हो जाएगी तो वो डिसेज हो गया लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन एडजस्टन टीथ रिजल्ट इन फूड इम्पेक्शन अगर ज्यादा कट कर दिया तो एडजस्टन टीथ के बीच में फूड बार बार लॉजमेंट होगा वहां पर तो वो एक प्रॉब्लम है नमाउंट ऑफ प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग अब स्ट्रिपिंग कितना करना है पूरा तो नहीं काट सकते कितना काटना है सकते हैं अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग अब स्ट्रिपिंग करेंगे कैसे तो हम करते हैं यूज ऑफ मेटालिक एब्रेसिव स्ट्रिप हमारे पास मेटालिक एब्रेसिव स्ट्रिप्स होते हैं ओके देन सेफ साइडेड कार्बोरेंडम एंड डायमंड डिस्क मैंने बताया था पहले डिस्क उससे कट करेंगे लॉन्ग थिन टेपर्ड फिशर बर्ड्स उससे करेंगे देन थिकनेस गेजेस और लीफ गेजेस एक आता है ये ये भी करेंगे वन बाय वन हम इसको देखते हैं क्या है ये अब डायमंड इंटरप्रोक्सिमल स्ट्रिप्स की बात करते हैं तो ये वेरी थिन होता है जीरो पॉइंट इतना पतला होता है मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्डेड डायमंड से बना होता है अब ये रेजिस्ट करता है स्ट्रेचिंग और ब्रेकिंग एंड ऑटोक्लेव एंड ऑटोक् अब जब हम कट करेंगे तो ये स्ट्रेच नहीं होना चाहिए ब्रेक नहीं होना चाहिए और इसको बार बार यूज कर सकते हैं और ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं देन स्ट्रिप होल्डर दिया जाता है ये देखिए स्ट्रक्चर ये ये हमारा स्ट्रिप है और ये होल्डर है होल्डर दिया हुआ है इसके साथ अवेलेबल दैट हेल्प इन होल्डिंग दिस स्ट्रिप को होल्ड करने के लिए और हैंडल ये ओके अब बात करते हैं एब्रेसिव स्ट्रिप्स की तो स्ट्रिप्स जो होता है वो सिंगल और डबल साइडेड कोटिंग होता है मतलब सपोज करो अगर ये स्ट्रिप है तो वन साइड भी हो सकता है और दोनों साइड Both side भी हो सकता है इसका कम इन थ्री ग्रेड्स ऑफ कोर्स मेंट कार्बाइड फिशर बर्स एंड मीडियम एंड फाइन ग्रेड डायमंडिंग बर्स कैन बी यूज विद हाई स्पीड एयर टर्बाइन इसको रोटर में लगाते हैं और देन इसको कट करते हैं ये हमारे

तो हम जैसे यहाँ जितना भी हमें कट करना है इसमें मार्किंग्स है तो इससे ये फायदा होगा कि हम मार्किंग्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ज्यादा ओवर रिड्यूस ना कर दें तो ये फायदा है इसका इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं साइजेस 0.1 mm 0.2 mm 0.25 mm 0.3 mm 0.4 mm 0.5 mm तक आता है ओके तो गाइस ये था हमारा प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग और बाकी मेथड्स ऑफ गेनिंग स्पेस पढ़ेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड प्रेस बेल आइकन जो कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे थैंक यू गाइज ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए बाय